أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں سیکشن 9C CNSA کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ 1997 پر ڈسکس کروں گا ملزم سے 28 کلو گرام چرس برآمد ہوئی After completion of trial, trial court ने मुल्जम को 25 साल की सजा और 2 लाख रुपया जुर्माना अदा ना करने की सूरत में मजीद 3 माह की सजा सुनाई. मुल्जम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को एपीलेट कोर्ट में चैलेंज किया. एपीलेट कोर्ट ने होल्ड फरमाया सेक्शन 9 पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स सेफ कस्टडी स्कोप. इफ सेफ कस्टडी ऑफ नारकोटिक्स एंड इट इज ट्रांसमिशन थ्रू सेफ मोड इज नॉट एस्टैब्लिश द सेम कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड. मीनिंग देयर बाई के जो मुल्जम से चरस बरामद हुई थी उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो भेजा गया उसका प्रोसिक्यूशन ने उसको जो भेजने का अमल था वो महफूज तरीके से पूरा नहीं किया. मतलब ये कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने मौके पर 28 किलोग्राम चरस में से हर पैकेट में से एक एक ग्राम चरस को अलहदा किया और जो सैंपल थे उन्हें इकट्ठा ही एक पैकेट में डालकर 2 दिन की ताखीर के बाद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा. अब जो सैंपल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजे गए वो 28 ग्राम थे और वो ये साबित नहीं करते थे कि वो एक पैकेट से लिए गए हैं या वो तमाम पैकेट से लिए गए हैं. जो सेकंड इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने होल्ड फरमाया वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने जो मालखाना का मुतलका रजिस्टर्ड है जिससे सेफ कस्टडी साबित होनी थी वो मुतलका ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया. थर्ड जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस थी उनके गवाहान में मुकम्मल तजादात थे. यानी कि जो PW1 है वो बता रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 6:30 बजे वकुआ पर पहुंचा जबकि PW2 बता रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो 7 बजे मौके पर आया. इसी तरह ही जो PW1 है वो अपने चीज में बता रहा है कि जो गाड़ी है जिससे चरस बरामद हुई उसके जो सीक्रेट पार्ट्स थे उनमें से चरस बरामद हुई और जबकि PW2 है वो अपने एग्जामिनेशन इन चीफ और ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन बता रहा है कि जो गाड़ी का डाइस बोर्ड है उस बोर्ड में जो 1-1 किलोग्राम के पैकेट्स हैं वो पड़े हुए हैं और उससे बरामद हुए हैं. ये वो तजादात और जो सेफ कस्टडी है जो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना थी वो प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी. ऑनरेबल हाईकोर्ट ने मुल्जम को बाइज्जत बरी किया और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसे सेटिस्फाइड किया. केस ला है 2023 YLR
पेज 737 बलोचिस्तान 2023 वायलार पेज 737 बलोचिस्तान। उम्मीद है मेरे दोस्तों को मेरी ये कावश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।